स्वागत है दोस्तों आप सबका खाना इंडिया का नए एपिसोड में। तो भाई आप लोगों ने मौसम भी संतरे और पाइनएप्पल का जूस तो बहुत सारी जगहों पर पिएगा, लेकिन क्या कभी आपने बेल का जूस ट्राई किया है? क्या कभी आपने फालसा का जूस ट्राई किया है? क्या कभी आपने जामुन का जूस ट्राई किया है? तो आज हम पहुंच गए सूरत में एक ऐसी जगह जहां पे हमको ये हेल्दी जूसेस मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं भैया ये कैसे बनाते। तो भैया ने सारे बेल में से चुन लिया है पका हुआ बेल। अब इसे तोड़ेंगे हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि उसके ऊपर की जो सरफेस होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, तो उसे हथौड़ी से तोड़ना पड़ता है। तो आप देख सकते हो भैया हल्के हल्के हाथों से उसे मारे हो, ये धीरे से भैया ने खोला, आप देख सकते हो कितना सारा पल्प इसके अंदर भरा हुआ है। तो भैया ने यहाँ पे पका हुआ ही बेल लिया है, क्योंकि पका हुआ है मीठा और बढ़िया लगता है। आप देख सकते हो धीरे धीरे भैया ने सारा वो अंदर का जो पल्प है वो निकाल दिया है। बड़ा ही फायदेमंद होता है ये बेल का शरबत हमारी सेहत के लिए। अगर मैं एसिडिटी है, जलन है, दिल की कोई तकलीफ है, कोलेस्ट्रॉल है, तो ये सारी बीमारियों को दूर करता है। तो ये मावे को अब अच्छी तरीके से पानी में मिक्स किया जाएगा। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे भैया थोड़ा थोड़ा पानी करके इसके अंदर डाल रहे हैं और मावे को अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। अब ये जाएगा छन्नी से छानने के लिए। तो ये धीरे धीरे करके भैया इसके अंदर डाल रहे हैं और यहाँ पे ये बीज और ये जूस दोनों बहुत ही बढ़िया तरीके से अलग हो रहे हैं। तो ये भैया धीरे धीरे छानना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा और पानी डालकर भैया इसके अंदर से सारा मावा निकाल लेंगे। भैया ये लगभग 80 से 90 ग्लास अभी बना रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितनी सारी क्वांटिटी में भैया बना रहे हैं और भाई ये पीने में भी उतना ही हेल्दी है। तो अभी भैया ने बर्फ डाल के ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है। अब हमारे लिए ये रस भरा जाएगा, यानी के बेल का ये जूस भरा जाएगा। तो भाई दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है, जैसे कि आम का रस हो। तो आपने भी कभी ये बेल का जूस ट्राई किया है कि नहीं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। यहाँ पे आपको ये फालसा का भी मिल जाएगा, जो पब्लिक की बहुत ही डिमांड में रहता है। और एक ग्लास का प्राइस होता है सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़, और बेल के ग्लास का होता है 30 रुपीज़। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर है, और साथ ही साथ इसके ऊपर भैया डाल के देते हैं उनका स्पेशल वाला मसाला। तो ये भाई मेरे लिए तो ये भी रेडी हो चुका है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपने कभी बेल, फालसा और जामुन का जूस पिया है कि नहीं पिया है। तो अगर आपको ये सारे जूसेस ट्राई करने, तो फटाफट से आ जाओ भैरव बेल शरबत पर, जो लोकेटेड है जॉगर्स पार्क के बाहर गोरदो रोड सूरत पर। तो भाई यहाँ पे बहुत ही डिलीशियस मिलते हैं जूसेस। तो पर्सनली मुझे ये बेल के जूस का टेस्ट कुछ अलग ही लगा। सबको पसंद आने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ही हेल्दी है। तो फटाफट से आ जाओ यहाँ पे, उनका टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। और ऐसे ही खाने के मज़ेदार वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो खाना इनका पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाय बाय।